Are you preparing for UGC NET Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. Hello friends, welcome back to Tutelage Academy. I hope you all are doing fine. आज हम लोग NFL Executive Examination के question paper discuss करने जा रहे हैं of HR and Labor Welfare section. इस question paper में मेरे पास 150 questions हैं, जिसमें top 50 जनरल रीजनिंग के क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 51 to 150 हमारे पास एचआर के क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नंबर 51 to 100 हमने इसके पहले वाले सेशन में डिस्कस कर लिया था. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 to 150 डिस्कस करेंगे. यस, आई होप माई दिस PDF इज विजिबल टू एवरीवन एंड माई वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल एज वेल. सो आई विल बी स्टार्टिंग नाउ. यस, I hope my voice is audible and this PDF is visible. Yes. Question number 101. So starting with question number 101, what are the factors contributing to personality? ठीक है. तो personality के बारे में हमने अपने session में भी पढ़ा है कि personality है क्या. Overall personality हर person के लिए distinct होती है. That is formed by your biological, family and social, cultural and situational factors from your birth till now. Whatever your mind has conceived, perceived accordingly, as per these following factors, accordingly your personality is formed and everyone is having unique persona. So, hamara answer yahan pe bilkul sahi hai. Point number C hoga. Question number 102. Human resource development is a systematic approach to proactively deal with issues related to. So, human resource development. है ना? तो last session में हमने questions जो top 50 questions discuss किए, उससे हमने यही समझा कि basics से काफी ज़्यादा question आ रहे हैं और we all have to stick to basics. Mainly unit 1, 2, 3, 4 से questions आते हैं. Mainly other units से भी है. इन सारी units से हमने ज़्यादा देखा है. तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक सिस्टमेटिक अप्रोच है कि हम ह्यूमंस को और डेवलप करें टू देयर मैक्सिमम एफिशिएंसी, उनके स्किल्स नॉलेज एंड एबिलिटीज को डेवलप करें और साथ ही साथ उन्हें एक बेहतर इंसान बनाएं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोएक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंट्रीब्यूट कर सके. तो इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप बोथ पे हम लोग दोनों पे ध्यान देते हैं कि इंडिविजुअल एम्प्लॉयज खुद में और इंडिविजुअल एम्प्लॉयज आपस में ग्रुप में कैसे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. वी हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ. सो आंसर इज दैट. क्वेश्चन नंबर 103. अंडर विच ऑफ दिस मेथड्स द ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूज आर ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एम्प्लॉयज. तो नाम से ही पता चल रहा है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड जो है ना ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड हमारा ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू बताता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एम्प्लॉयज. ओके, सो नाम से ही पता चल रहा है देयर आर 3 मेथड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. एक तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड है, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है और एक तीसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड. इन तीनों के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा क्लास में या फिर बताया गया होगा, है ना. तो यस, दिस वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू नो दैट. क्वेश्चन नंबर 104, डैश इज अ पे ऑफ एक्शन, है ना. तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर यूनिट जब स्टार्ट किया था तभी आपको डिटेल से समझाया था कि बिहेवियर वर्ड का मीनिंग क्या है. बिहेवियर वर्ड इज हाउ यू एक्ट और रिएक्ट, है ना. हाउ यू एक्ट और रिएक्ट. एटीट्यूड का भी 3 कॉम्पोनेंट है, जिसमें जो बिहेवियरल कॉम्पोनेंट आता है वो बताता है कि आप एक्शन, आप किसी भी चीज को के बारे में आप सुनते हो तो आपका एक्शन क्या होता है. जैसे कि इफ आई सी स्पाइडर आई विल जंप एंड स्क्रीम. तो व्हाट एक्शन यू आर डूइंग इज द बिहेवियरल कॉम्पोनेंट ऑफ योर एटीट्यूड, है ना. तो डैश इज अ वे ऑफ एक्शन बिहेवियर. विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म वुड एन एचआरडी सिस्टम इंक्लूड. एचआरडी सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है, है ना. परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉइज बिल्कुल होगा. करियर प्लानिंग हम करते हैं, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट सारी चीजें करते हैं. एचआरडी के 3 कॉम्पोनेंट थे, करियर डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. 3 चीजें थी. तीनों चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है. आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. इनफैक्ट क्लासरूम क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आया है. मैंने आपको ये क्वेश्चन भी करवाया था, पीटर डकर बताया और पीटर डकर के कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड नोट्स भी दिए हैं. जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ दैट. ओके, क्वेश्चन नंबर 107. There is a need for the HR solution to focus its limited time, energy and resources on. है ना, HR के पास हमेशा solution इस चीज का find out करना है उनको कि limited time है, limited energy है, limited resources है, तो हम किस तरीके से इनको use करें. Understanding the impact of both globalization and changing workforce.
है ना। तो यहाँ पे आंसर ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, बट पॉइंट नंबर सी में जब दोनों है तो ऑब्वियसली हमारा आंसर पॉइंट नंबर सी होना चाहिए कि चेंजिंग वर्कफोर्स डायनेमिक्स से भी डील करना हमारे लिए चैलेंज है और ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट को भी डील करना हमारे लिए चैलेंज हो जाता है एज एन एचआर मैनेजर। वी हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बोथ एंड अकॉर्डिंगली डू आवर वर्कफोर्स प्लानिंग। KMS स्टैंड फॉर नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। नॉलेज मैनेजमेंट से एक और क्वेश्चन आया है, इसके प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है इसके पहले सेशन में, उसमें भी हमने देखा है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के जो भी विंटेज एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय होते हैं उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू आउट काम करके जो भी नॉलेज गेन किया है कि हाउ एनी सॉफ्टवेयर इज वर्किंग, हाउ टू डील विद क्लाइंट्स एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, हाउ प्रोडक्ट्स आर इवॉल्विंग, एवरीथिंग। तो वी यूज टू नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में वो सारे नॉलेज को इनफैक्ट एक टैंजिबल फॉर्म में, टेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश की जाती है ताकि वो सारे जो न्यू रिक्रूट है उनको भी या फिर जो फ्यूचर में नए लोग आएंगे उनके लिए वो सारी चीजें यूजफुल बना सके। क्वेश्चन नंबर 109 डैश helps employees in skill development to start their business on their own and in improving discipline। यहाँ पे आंसर है SWOT analysis। SWOT analysis का में क्या होता है, इसका full form strength, weakness, opportunities and threat। Okay? तो अगर आप कोई business को start करना चाहते हैं तो आप क्या क्या strength है, अगर तो स्ट्रेंथ आपको एक्सप्लेन करना है वर्कर्स को कि पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया के क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, वीकनेस हो सकते हैं कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या क्या थ्रेट है। तो ये सब अगर हम एम्प्लॉयज को सिखाते हैं ड्यूरिंग देयर स्किल डेवलपमेंट देन इट विल बी ईजी फॉर देम टू स्टार्ट देयर बिजनेस, है ना। इट विल हेल्प देम टू गाइड देम टू स्टार्ट देयर बिजनेस। एन एचआरडी सिस्टम शुड हेल्प मैक्सिमाइज, एचआरडी सिस्टम को ओवरऑल मैक्सिमाइज करना है कि हर इंसान की प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज हो जिससे ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ही अच्छा कल्चर डेवलप हो, डेवलपमेंट का ओवरऑल लोगों का पर्सनालिटी, ओवरऑल ईच एंड एवरीवन की पर्सनालिटी डेवलप हो, हर किसी का वैल्यूज बिलीफ सिस्टम अपग्रेड हो। तो उससे क्या होता है, तो मार्जिन तो हमारा आंसर नहीं होगा। इंडिविजुअल स्किल है, पार्टली करेक्ट है। इंडिविजुअल ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोगों के स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज सारा कुछ डेवलप करना है, ठीक, पार्टली करेक्ट है। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी भी हो सकता है, दोनों ही सही है इनफैक्ट। तो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी हमारा आंसर लेकिन इसलिए होगा क्योंकि हम एज ए रिजल्ट ऑफ एचआरडी एम्प्लॉय को एम्पावर करते हैं कि वो अपने डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन में वो डिसीजन ले सके, उनके पास डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी हो। सो एज अ रिजल्ट ऑफ एम्पावरिंग देम एंड प्रोवाइडिंग देम स्कोप फॉर देयर ओन क्रिएटिविटी, वी आर प्रोवाइडिंग देम द एनवायरमेंट ऑफ एक्सरसाइजिंग देयर ऑटोनॉमी, है ना। तो वो अपने हिसाब से काम कर सके, उनके पास अपनी फ्रीडम हो कि अपनी समझदारी से काम को कर सके, इस तरीके से हम इंडिविजुअल ऑटोनॉमी बनाने की भी कोशिश करते हैं एचआरडी सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 11, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वेरी वेरी क्लियरली। इसमें क्या होता है कि हम ह्यूमन रिसोर्स के डेटा को मेजर करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स एज एन असेट हमारे पास कितना अवेलेबल है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि असेट एंड लाइबिलिटी अगर देखा जाए तो लाइबिलिटी हो जाएगी कि किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को, किसी भी पर्सन को हायर करने में, ट्रेन करने में कितना कॉस्ट लगता है, और हाउ दे आर असेट दैट कि कोई इंसान के पास कितने स्किल्स है, कितने एक्सपर्टीज है, कितना नॉलेज है कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना प्रोडक्टिव हो सकता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कितना अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो इस हिसाब से असेट और लाइबिलिटी स्टेटमेंट और अकॉर्डिंगली हम लोग टोटल ऑर्गेनाइजेशन के असेट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, है ना। ये सारी चीजें अलग अलग है, ये मैंने आपको क्लास में बताया है कि सारे टर्म्स की मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज एचआरआईएस, व्हाट इज एचआरएम, व्हाट इज एचआरडी, व्हाट इज एचआरए, व्हाट इज एचआरपी, एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, which of the following shows that there is functionality of ambiguity tolerance? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, HRD का है, जिसने सीधा बिल्कुल अटैक किया आपके बेसिक नॉलेज पे। एम्बिग्यूटी टॉलरेंस इज मैंने क्लास में करवाया है, तो इज आर यू एबल टू रिकॉल, रिकलेक्ट एंड कनेक्ट एज वेल। दिस मैंने क्लास में बहुत क्लियरली करवाया है। अब जो
आंसर दिया हुआ है बात वो नहीं है, बात ये है कि आर यू एबल टू रिकॉलेक्ट कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है, और थोड़ा सा अगर ट्विस्ट कर दिया जाए बेसिक्स को ही, तो विल यू बी एबल टू आंसर और नॉट। एम्बिग्विटी टॉलरेंस, इज इट रिंगिंग एनी बेल इन योर माइंड? तो देखिए एम्बिग्यूटी टॉलरेंस हमने कब डिस्कस किया था? एम्बिग्यूटी टॉलरेंस याद है? नहीं याद है? हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस किसका एक डायमेंशन है? जर्ड हॉपस्टीड का कल्चरल डायमेंशन है ना? IHRM में जर्ड हॉपस्टीड का कल्चरल डायमेंशन है। वन ऑफ द कल्चरल डायमेंशन इज अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। तो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, अगर अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है तो क्या होगा? लो टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी, लो टॉलरेंस फॉर अनसर्टेनिटी, है ना? हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, अगर अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस हमारा हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस अगर है, हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, तो क्या होता है? हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस में लो टॉलरेंस होती है। तो लो टॉलरेंस अगर है तो लोग टॉलरेट नहीं करेंगे एम्बिग्विटी को, लोग टॉलरेट नहीं करेंगे आपके अनसर्टेनिटी को, टॉलरेट नहीं करेंगे लोग एम्बिग्यूटी को, टॉलरेट नहीं करेंगे, तो इट विल रिजल्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी विच हैज रूल्स रेगुलेशन एंड लॉज एट प्लेस, है ना? तो उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए, तो जो कुछ कुछ हमने पढ़ा है उसको कैसे अप्लाई करना है, तो देर इज फंक्शनैलिटी ऑफ एम्बिग्यूटी टॉलरेंस, है ना? एम्बिग्यूटी अनसर्टेनिटी टॉलरेंस की बात की जा रही है, तो देर इज लेस रिस्पेक्ट फॉर स्ट्रक्चर एंड टाइम। तो अगर अनसर्टेनिटी को टॉलरेट नहीं करते हैं तो लोग ज्यादा पर्टिकुलर रूल्स को लेकर, रेगुलेशन को लेकर के, स्ट्रक्चर को लेकर के, पॉलिटिकल जो भी सरकार अगर कहती है सड़कें बनेंगी, मतलब सड़कें बन जानी चाहिए, 2 साल में सड़कें बनेंगी तो 2 साल में सड़कें बन जानी चाहिए, नहीं तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, राइट? तो पीपल हैव अ रिस्पेक्ट, पीपल हैव अ रिस्पेक्ट फॉर देयर टाइम, पीपल हैव अ रिस्पेक्ट फॉर द स्ट्रक्चर, पीपल हैव अ रिस्पेक्ट फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशन, ओके? हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस में। तो यहाँ पे क्या है, एम्बिग्यूटी टॉलरेंस है, मतलब लोग टॉलरेट कर ले रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग एम्बिग्यूटी को टॉलरेट कर ले रहे हैं, मतलब कि लोग अनसर्टेनिटी को टॉलरेट कर दे रहे हैं। जैसे कि इंडिया में, इंडिया में इतने सारे केसेस होते हैं, निर्भया केस है, बाकी सारे और भी कई सारे क्रिमिनल केसेस हैं, एंड मेनी अदर केसेस, द रिजल्ट्स आर स्टिल पेंडिंग, वी पीपल काइंड ऑफ टॉलरेंट अबाउट दैट। तो वी हैव लेस रिस्पेक्ट फॉर स्ट्रक्चर, फॉर लॉज, फॉर रेगुलेशन, एंड वी हैव लेस रिस्पेक्ट फॉर टाइम, है ना? तो अगर एम्बिग्विटी टॉलरेंस है, दैट मीन्स दिस विल बी आर आंसर। तो आर यू एबल टू रिलेट इट वॉट वी हैव स्टडीड? ओके, तो दिस इज हाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बेसिक्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कैरेक्टराइज बाई यूनिवर्सैलिटी, बिकॉज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हमारे हेनरी फाइल के 14 प्रिंसिपल्स हैं, और टेलर के भी काफी सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, फंक्शनल फॉरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन, टाइम एंड वर्क स्टडी, वो सारे यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि वो हर तरह की इंडस्ट्री में अप्लाई हो सकते हैं, एवरी स्मॉल, एवरी बिग इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर टाइप्स, दे आर एप्लीकेबल टू एवरी वन, है ना? तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। व्हाट इज ESI एक्ट कॉल्ड एज? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। इनफैक्ट आई हैव डाउट इन सम क्वेश्चंस, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 ही होता है ESI एक्ट का फुल फॉर्म। तो सेफ्टी, आई डोंट थिंक दिस इज करेक्ट आंसर इन माई, व्हाट आई थिंक इज पॉइंट नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। Which of the following is not a key element of organization behavior? Organization behavior में क्या क्या key element है? People है, yes. लोगों का structure है, yes. Technology है, yes. Technology हर जगह का key element है, बिना technology के नहीं हो सकता, everything requires technology, तो होगा। What is turbulent? Turbulent environment क्या होता है? ऐसा environment जहाँ पे कहीं भी कभी भी बहुत सारी mistakes हो जाती है, बहुत सारे unexpected situations आ सकते हैं, बहुत unpredictable चीजें हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना? तो that is turbulent environment, है ना? तो that is which is not stable, which is not predictable, which is not easy enough, तो वो हो जाता है turbulent environment। तो यहाँ पे ये दोनों वर्ड से ही पता चल जा रहा है। Which of these are two important levels of management? Functional level and operative level. Operative level क्या होता है? Skill level होता है, जो manual जो workers है, low level workers है, supervisory level workers का skill level वाली अगर बात कर रहे हैं तो वो operative level हो जाएगा। Functional जो कि
एज पर द फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है. दैट कैन बी मार्केटिंग, ऑपरेशंस, एचआर, सेल्स, लाइक दैट. ओके, क्वेश्चन नंबर 118, सजेस्ट अ टेक्निक फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट फाइंड देमसेल्व्स रनिंग शॉर्ट ऑफ कैपेबिलिटीज. अगर ऑर्गेनाइजेशन में कैपेबिलिटी शॉर्ट हो रही है तो इसका तो मेन एक रीजन है कि एचआरडी करवाओ, है ना, ट्रेनिंग करवाओ, डेवलपमेंट करवाओ, एक तो वो है, तो मेन ऑप्शन शुड बी दैट. तो वो तो ऑप्शन में है ही नहीं. टू एग्जिट एचआर टीम नहीं होगा. ब्रिंग इन प्रोफेशनल फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी हो सकता है अगर कैपेबिलिटीज कम है ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो कैपेबिलिटीज हम उनको या तो डेवलप करेंगे या तो बाहर से कैपेबिलिटीज लाएंगे, दो चीजें कर सकते हैं. तो ब्रिंग इन प्रोफेशनल फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी हो जाएगा. अट्रैक्ट न्यू एम्प्लॉयज फ्रॉम आउटसाइड द एचआर फंक्शन. आउटसाइड द एचआर फंक्शन नहीं भाई, एवरी यूनिट इन ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट अपॉन वन अदर एंड दे आर वर्किंग यूनाइटेडली सो एज टू कंप्लीट द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. तो ये वाला तो डिस्प्यूटेड पॉइंट लग रहा है, ये नहीं होगा. दिस शुड बी द आंसर. ठीक है, वैसे मेन आंसर इसका होना चाहिए एचआरडी करना है ना. व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज एवरीथिंग. मैनेजिंग पीपल, मैनेजिंग रिसोर्सेस, मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजिंग फाइनेंसेस, मैनेजिंग मैन पावर, एवरीथिंग इंक्लूड, सारा कुछ इसमें आता है. ऑल ऑफ द अबव होगा आंसर, है ना. नेक्स्ट 120C. Whatever we have studied, friends, अभी से लेके मैंने अभी तक तो यूनिट 4 तक जो भी कराया है क्लास में, यू कैन सी कि उनसे कितने सारे क्वेश्चंस हमारे मैच हो रहे हैं, है ना. हार्वर्ड मॉडल, मैंने आपको हार्वर्ड मॉडल पढ़ाया है अलॉन्ग विथ डायग्राम, जिसमें मैंने आपको बताया है कि इसमें 6 एलिमेंट होता है, एच से हेक्स होता है और हेक्स से 6 आप याद रख सकते हैं. सिचुएशनल फैक्टर्स एंड सिचुएशनल फैक्टर्स, और एक और है उसमें स्टेक होल्डर चॉइसेस, ये दोनों मिलाकर के एचआरएम पॉलिसी बनाते हैं. इस तरह की चीजें हैं. तो हार्वर्ड मॉडल ऑन लिंक चॉइसेस ऑन एचआर पॉलिसीज टू स्टेक होल्डर इंटरेस्ट आर. तो ये हमारा सिचुएशनल फैक्टर्स है. जो डायग्राम कुछ ऐसा था कि सिचुएशनल फैक्टर्स हमारा डिसाइड करता है एचआर पॉलिसी, एचआर पॉलिसी डिसाइड करता है लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस का फीडबैक आता है फिर सिचुएशनल फैक्टर्स पे, है ना. ऐसा सा एक साइकिल था हार्वर्ड मॉडल में. ओके, होप यू कैन रिकलेक्ट दैट. क्वेश्चन नंबर 121, एम्प्लॉइज लाइफ साइकिल बिगिंस विद. एम्प्लॉइज लाइफ साइकिल कहां से शुरू होती है? प्रमोशन, एप्लीकेशन, वैकेंसी, हायरिंग, जहां से आप जॉब में अप्लाई करते हो, फिर उसका आपका सिलेक्शन होता है, रिक्रूटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट होता है, फिर सिलेक्शन होता है, प्लेसमेंट होता है, फिर ट्रेनिंग होती है, फिर प्रमोशन होता है, फिर लास्ट में रेजिग्नेशन. वो है एम्प्लॉय लाइफ साइकिल. तो स्टार्ट कहाँ से होगा? वैकेंसी से. स्ट्रेटेजिक एचआरएम इज कंसर्न्ड विद. देखिए स्ट्रेटेजिक एचआरएम क्या होता है? स्ट्रेटेजिक एचआरएम में का मतलब कि जो हमारे एचआर डिपार्टमेंट है, एचआरएम की जो पॉलिसीज है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और स्ट्रक्चर से डायरेक्टली अलाइन है, उस पर भी काम हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम द पर्सनल मैनेजमेंट वर्क विच इज कंपनसेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट के, अपार्ट फ्रॉम दैट एचआर डिपार्टमेंट इज थिंकिंग एवरी डे, मीटिंग एंड डिसाइडिंग एंड स्ट्रेटाइजिंग दैट हाउ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स टू बी अचीव्ड एंड व्हाट and for that how we need to empower our workforce, how what we can what training and what work we have to give to our workforce taki organization ka goal achieve ho. Main wahi hai. To yahan pe dekhiye, agar hum directly to ye answer nahi aa raha hai na, but agar hum ye sare options ko dekhiye to eliminate karna hai hame. Strategic HRM concerned with HR issues nahi. Strategic HRM is something which is connecting organization goal to एचआर डिपार्टमेंट. तो ये तो नहीं होगा. थियोरिटिकल ब्रिजेस भी नहीं लग रहा है. सब फंक्शन ऑफ एचआर पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं है. तो ये तीनों तो बिल्कुल भी नहीं है, है ना. ये कहीं से भी ये तीनों रिलेटेड नहीं है. सिस्टमेटिक क्वेश्चन कैन बी कि स्ट्रेटेजिक एचआरएम में ये क्वेश्चंस डिसाइड हो रहे हैं या पूछे जा रहे हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस कि वेदर एंड विच पॉलिसी ऑफ एचआरएम इज लिंक्ड विद कैन हेल्प अस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. एवरी डे एक सिस्टमेटिक क्वेश्चन can be asked and accordingly steps can be taken place. So somewhat this is related, not all these. What is the objective of sexual harassment of women at workplace act 2013? So very easy, to provide protection against sexual harassment of women at workplace, jisse ke naam se hi bataya ja raha hai. 124, choose the odd one out from this contributing discipline to organization behavior, psychology, sociology, anthropology. ये सब भी मैंने क्लास में करवाया हुआ है. ये सारे वर्ड साइकोलॉजी क्या होते हैं,
साइकोलॉजी वन किसी इंडिपेंडेंट पर्सन के बिहेवियर को अगर कंसिडर कर रहे हैं, एटीट्यूड को कंसिडर कर रहे हैं, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी हाउ पीपल रिएक्ट इन अ ग्रुप, एंथ्रोपोलॉजी इवोल्यूशन ऑफ मैन हिज कल्चर हिज सोसाइटी, सारा क्लास में करवाया है। मेथोडोलॉजी नहीं होता है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी एक टर्म है जो कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से रिलेटेड है ना, तो मेथोडोलॉजी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन तो मुझे बहुत टफ नहीं लगे, इट्स क्वाइट ईजी। तो आउट ऑफ 100 यू कैन ईजिली टारगेट मोर देन 90, है ना, मोर देन 90 नहीं, तो मोर देन 85 तो जरूर जरूर टारगेट कर सकते हैं आप। और मोर देन 90 तक जितना टाइम है उसमें अगर आप मेहनत करें तो मोर देन 90 यू कैन डेफिनेटली अचीव। अच्छे से देखिए कि किस तरह का क्या पैटर्न है हमारे इन सारे क्वेश्चंस का और अकॉर्डिंगली तैयारी कीजिए। ट्रेड यूनियन कांग्रेस असेंबल्ड एट, देखिए तो जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ना, इसकी हर साल एक मीटिंग होती आ रही है फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स इंसेप्शन। तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो पहली मीटिंग थी, इनफैक्ट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ट्रेड यूनियन कांग्रेस वॉज एट मैनचेस्टर ऑन 2 जून 1868, दिस इज द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। तो आपसे ये भी एक्सपेक्टेड है कि जो हमारे ट्रेड यूनियंस हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में कुछ कुछ डेटा आपके पास हो, ये भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो यस वी ऑल कैन स्टडी दैट एज वेल, इट्स क्वाइट ईजी, आराम से हो जाएगा, आसान है, बस यू हैव टू प्रोवाइड योर टाइम एंड डेडिकेशन। मुश्किल नहीं है, टाइम और डेडिकेशन दीजिए। सारे ट्रेड यूनियन का डेट, फाउंडर और थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। 126, डैश इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फोकसिंग ऑन द फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इजी। प्लानिंग, प्लानिंग में हम प्रीमाइसेस डिसाइड करते हैं। प्रीमाइसेस क्या होता है? प्रीमाइसेस आर शेप ऑफ शेप ऑफ कोर्स ऑफ आवर एक्शन इन फ्यूचर, है ना। क्लास में क्या हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, अल्टीमेटली हम ऑर्गेनाइज करके स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन ये सब डिसाइड करते हैं। डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स हमने पढ़ा है, कंट्रोलिंग लास्ट में होता है जिसमें हम स्टैंडर्ड से मेजर करते हैं परफॉर्मेंस, सिंपल है। नेक्स्ट 127 देखिए, ISO 9003 इज ए स्टैंडर्ड, है ना। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा डिटेल्ड क्वेश्चन है। तो ISO 9003 होता क्या है, ये एक स्टैंडर्ड है बाय ISO। ISO का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये बताता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, है ना। तो यहाँ पे वही है कि ISO 9003, we have ISO 9002 as well. तो 9002 के बाद क्या बताता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर मैन्युफैक्चर एंड डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, फॉर मैन्युफैक्चर एंड डिलीवरी। मैन्युफैक्चर कैसे करना है, डिलीवरी कैसे करना है, उसके लिए ISO 9002 है। और उसके बाद फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्ट, क्वालिटी की फाइनल इंस्पेक्शन और टेस्टिंग है तो ISO 9003 होगा। जैसे कि अमूल की फैक्ट्री होगी, तो वहां पे मिल्क की क्वालिटी, कर्ड की क्वालिटी, तो उनकी फाइनल क्वालिटी टेस्टिंग जो होती है, फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, सॉरी, उसके लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो है ISO 9003। तो ये TQM से रिलेटेड है। और कुछ डिटेल्स आपसे पूछे गए तो आप ISO 9004 9005 भी थोड़ा नोट्स बनाकर याद रख सकते हैं अगर सिमिलर से क्वेश्चन आए तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्ट टू प्रोहिबिट द एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चाइल्ड लेबर एक्ट के बारे में आपको पढ़ना है बेसिक्स। पार्ट वन एंड पार्ट टू ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट बताता है कि कौन से प्रोसेसेस है और कौन से ऑक्यूपेशंस है जिसमें कि प्रोहिबिट किया गया है चिल्ड्रन को काम करने के लिए, है ना। ये तो चाइल्ड मैरिज एक्ट है और ये राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन से रिलेटेड है, पॉइंट नंबर वन हमारा आंसर हो जाएगा। 129, एज पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बॉडीज, वेरी इजी क्वेश्चन। मेरे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के आप लेक्चर देखेंगे तो आई होप कि आपको जो वो लेक्चर है 30-40 मिनट्स का, उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा और सारे सेक्शंस में इनफैक्ट आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो जो चैप्टर वन है वो नॉर्मली जो डेफिनेशन है उनकी बात करता है, जो चैप्टर टू है वो एडवाइजरी बोर्ड्स की बात करता है। तो चैप्टर टू स्टार्ट विद सेक्शन थ्री और सेक्शन थ्री में है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, सेक्शन फोर टॉक्स अबाउट स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, है ना।
फिर इसी तरह अगर हम चैप्टर थ्री में जाएंगे तो चैप्टर थ्री फिर नेक्स्ट हमारा रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग के बारे में बात करता है। तो सिस्टमेटिकली मैंने क्लास में बताया है कि क्या क्या चीजें इसमें इस एक्ट में है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी बॉडीज है। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखें कि कैसे कैसे बना है, तो इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में सबसे पहले तो एक चेयरमैन रहता है, उसके बाद एक एक्स ऑफिशियो रहता है ना। तो एक्स ऑफिशियो भी जो चीफ लेबर कमिश्नर एक्स ऑफिशियो रहता है, इससे भी कई बार क्वेश्चन आया कि हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, तो दैट इज चीफ लेबर कमिश्नर। और उसके बाद जो मेंबर्स होते हैं वो दे आर 17 बट नॉट लेस देन 11। इसी तरह स्टेट एडवाइजरी बोर्ड जो हमारा सेक्शन 4 में है, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, उसका भी सिमिलर सा ही कॉन्स्टिट्यूएंट है कि एक चेयरमैन होगा जिसे ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। फिर यहाँ पे भी एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है जो कि कोई भी लेबर कमिश्नर होगा। और यहाँ पर जो बाकी जो मेंबर्स होते हैं दैट आर 9 to 11, नॉट एक्सेडिंग 11 बट नॉट लेस देन 9, ये स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में होता है। तो ये सारे शॉर्ट नोट्स आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। एप्स आप एक आपको हर दिन, जैसे कि मैंने बताया, जितना भी डेट बाकी, जितना भी एग्जाम के दिन बाकी है, हर दिन 2 या 3 एप्स आप पढ़िए। पर्टिकुलरली आप मेरे लेक्चर्स पढ़िए जो मैंने एमसीक्यू सेशन कराया है, आपको कहीं और से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा और सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। व्हिच ऑफ दीज कंप्राइजेस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम दैट आर एसोसिएटेड विद मैनेजिंग एम्प्लॉई डेटा। तो एम्प्लॉय डेटा को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है एचआर डिपार्टमेंट के पास, उस सॉफ्टवेयर का नाम है एचआरआईएस, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है एम्प्लॉय के सारे इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, जैसे कि एम्प्लॉय का डेटा मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना, पेरोल प्रोसेसिंग करना, अटेंडेंस मैनेजमेंट करना, सारे एनालिटिक्स करना, एम्प्लॉय के लिए काफी सारे जो ईआरपी बनते हैं सेल्फ सर्विस के लिए, वो सारा भी एचआरआईएस मैनेज करता है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट, इससे काफी सारे अलग अलग पीएसयू एग्जामिनेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट एक अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब जैसे कि आप किसी जॉब में गए, ठीक है, आपका आपने ज्वाइनिंग की, अब आपने ज्वाइनिंग की तो वहां पर एक मेंटली आपको बोला गया, वर्बली आपको प्रॉमिस किया गया कि अगर आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर देते हो तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको प्रमोशन दिया जाएगा। आपको वर्बली बोला गया, रिटेन नहीं, आपको वर्बली बोला गया। और आपको अगर तो वो क्या हो जाता है, वो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि भाई कि आप ये ट्रेनिंग फिनिश कर दो, एक टेस्ट होगा, उसके बाद आपको प्रमोशन हो जाएगा। तो आपके मन में ये रहता है कि चलो कि ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, कि आई विल बी गेटिंग द प्रमोशन आफ्टर 6 मंथ्स, लाइक दैट। तो ये एक अग्रीमेंट होता है, अनरिटन अग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, जो कि उनके एक्सपेक्टेशन को, उनके कमिटमेंट को डिस्क्राइब करता है। और ये एवरीडे इंटरेक्शन जो होता है एम्प्लॉई का अपने मैनेजर के साथ, उस पे डिपेंड करता है। और ये जो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इसमें डे टू डे कन्वर्शन, टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, ये सारा कुछ मैटर करता है। साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट रिटन एम्प्लॉयमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि रिटन एम्प्लॉयमेंट, रिटन कॉन्ट्रैक्ट हमारा लीगली बाइंडिंग होता है, बट साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट जस्ट कि हाउ योर वॉट एवर डिस्कशन यू आर हैविंग विद योर बॉस एंड हाउ ही इज प्रॉमिसिंग यू सम थिंग्स ओरली। क्वेश्चन नंबर 132, नेशनल कमीशन ऑफ लेबर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द कंट्री टू। नेशनल कमीशन ऑफ लेबर हमारी एक ट्राइपार्टाइट बॉडी है, एडहॉक कमेटी है, जो कि कभी कभी जब भी जरूरत हो तो फॉर्म होती है और अपने रिपोर्ट्स सजेस्ट करती है। पहली बार नेशनल कमीशन ऑफ लेबर 1966 में बनी थी और इसने अपना रिपोर्ट 1969 में सबमिट किया था, और दूसरी बार वो 1999 में बनी थी और अपना रिपोर्ट 2002 में सबमिट किया था, ठीक है। तो ये एडहॉक बॉडीज होती है, और जब भी जो भी लेबर रिलेटेड इश्यूज जब भी होते हैं उनसे रिलेटेड ये अपने रिकमेंडेशन को सबमिट करती है। इनफैक्ट जो सेकेंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर है, उसी के रिकमेंडेशन पे हमारे जो 4 न्यू लेबर कोड्स आ रहे हैं वो सेकेंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर के रिकमेंडेशन पे ही आ रहे हैं। द पीरियड इमीडिएटली प्रीसीडिंग द साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट, बहुत ही आसान है, प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा है ना, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के ठीक पहले है, अराउंड 1910-20 की बात हो रही है ये, है ना, 1900 to 1910 की बात हो रही है, प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा, है ना, ठीक है, ओके।
Question number 134. In the Child Labour Act 1986, child means a person who has not completed. तो चाइल्ड लेबर एक्ट में आप कुछ जो बेसिक डेफिनेशन है, ये लेबर, ये एक्ट स्टार्ट ही हो रहा है चाइल्ड के डेफिनेशन में, और सेक्शन 2.2 में दिया हुआ है कि जो चाइल्ड है हु हैज इज वन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 14 इयर्स ऑफ एज. पिक द ऑड वन आउट. वेरी इजी क्वेश्चन. आईडी एक्ट में हम लोग पढ़ते ही है ये सेक्शन, सबसे ज्यादा इसी सेक्शन को पढ़ते हैं, सेक्शन 22, जिसमें दिया हुआ है कि स्ट्राइक अगर आपको करना है तो उसके क्या क्या कंडीशंस हैं, कि स्ट्राइक इलीगल ना रहे, लीगल बना रहे, कि आप बिना नोटिस दिए एम्प्लॉयर को स्ट्राइक नहीं करोगे, 14 दिनों के अंदर स्ट्राइक नहीं करोगे. अगर आज आप नोटिस दे रहे हो तो आज से 14 दिन के बाद ही आप स्ट्राइक कर सकते हो. अभी से लेकर 14 डेज के बीच में आप कभी स्ट्राइक नहीं कर सकते. बिफोर एक्सपायरी डेट ऑफ स्ट्राइक एंड When the memorandum of settlement is signed by parties, ऐसा कुछ नहीं है. ये बिल्कुल irrelevant point है, कुछ different सा point है, तो ये हमारा correct answer हो जाएगा. और section 22 में ये तीनों points दिए हुए हैं. What is HRIS? Human Resource Information System. Again, it which supports HR function. Which statement defines organization change? Organization change क्या हो कब आ सकता है? जब हम एक पहली बार कोई पेपरलेस ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, वी जस्ट मूव असाइड ऑल द पेपर्स एंड इंट्रोड्यूस इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर पेपरलेस ऑर्गेनाइजेशन. और या फिर और भी कई तरह की चीजें होती है, रोबोटिक्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे जॉब्स के लिए. और या फिर एक्विजिशन होता है, मर्जर होता है, या कोई नई स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, तब तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है. तो अल्टरेशन दैट इन्फ्लुएंसेस फिजिकल और साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस, यस. व्हाट एक्चुअली चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन, यस. मैंने भी काफी एग्जांपल दिए. एनी एडजस्टमेंट और अल्टरेशन इन द एग्जामिनेशन, बहुत सारे. ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन चेंज से रिलेटेड ही है. ऑर्गेनाइजेशन चेंज में VNHR मैनेजर, हमारा क्या काम है कि कहीं ना कहीं लोगों को रेजिस्टेंस होगा, दे डोंट वॉन्ट द चेंज. तो हाउ वी हैव टू फैसिलिटेट द चेंज सो दैट employees willingly accept the change, that is our challenge and that we have to facilitate. Question number 138, to direct and guide the workers to perform their duties well is called. यहाँ पे देखिए POCCC की बात हो रही है, जो कि हेनरी फायोल ने बताया था, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन POCCC, उसमें उन्होंने डायरेक्टिंग को कमांडिंग बोला था, है ना. तो डायरेक्टिंग को कमांडिंग बोला था, तो यहाँ पे डायरेक्ट एंड गाइड द वर्कर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, तो ये हमारा ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा, कमांडिंग हो जाएगा. सारा कुछ क्लास में बताया हुआ है. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस आर इन ऑर्डर व्हाइल इंप्लीमेंटिंग HRIS, है ना. तो अगर आप HRIS को इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपको क्या क्या करना है. तो सबसे पहले आपको प्रिपरेशन एंड प्लानिंग करनी है, है ना. सबसे पहले प्रिपरेशन एंड प्लानिंग करना है, मतलब कंपनी की नीड्स क्या है और किस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग HRIS इम्प्लीमेंट हो रहा है, फिर कंपनी में कितने लोग रहेंगे, उनका रिक्वायरमेंट क्या है. तो ओवरऑल प्लानिंग के बाद क्या करते हो, एनालाइज करते हो, जिसके लिए रिसर्च भी किया जाता है, ट्रायल लिया जाता है. तो प्लान करने के बाद एनालिसिस वाला काम होता है, रिसर्च करने वाला काम होता है, ढूंढने वाला काम होता है, ठीक है. उसके बाद जब हम डेटा ढूंढ लेते हैं, कितने सारे लोग होंगे, इतने सारे डिपार्टमेंट होंगे, जॉब एनालिसिस कर लेते हैं, तो हम फिर डिजाइन करते हैं, तो फिर हम HRIS को डिजाइन करते हैं, ठीक है. अब HRIS में पहले हमने प्लानिंग की, जॉब एनालिसिस, पीपल एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस, डिपार्टमेंट एनालिसिस किया, अकॉर्डिंगली हमने डिजाइन किया कि भाई HRIS में इतने सारे वेब पेजेस होंगे, इतने सारी चीजें होंगी, और इस तरीके से फिर हम इंस्टॉल करने की उसे कोशिश करते हैं. फिर उसके बाद वी बिल्ड इट, When we design it, design करने के बाद actually we build HRIS, building वाला काम यहाँ पर होता है. उसके बाद फिर उसे test किया जाता है कि if everything is working fine, और उसके बाद फिर last में we deploy it, जिसमें कि हम उसे going live and using the system of follow up, feedback, support, ये सारा फिर deploy में हो जाता है, ठीक है. ये बिल्कुल सही है. Which is the method of trade union? Trade union कलेक्टिव बार्गेनिंग भी करते हैं, म्यूचुअल इंश्योरेंस भी करते हैं, पॉलिटिकल एक्शन भी करते हैं. हमारे सिलेबस में कलेक्टिव बार्गेनिंग है, लेकिन ये सब, ये सारा काम भी, कलेक्टिव बार्गेनिंग डिटेल में है, लेकिन ये सारा काम भी ट्रेड यूनियन अपने डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए करते हैं. विच इज द ऑड वन इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, है ना. तो
तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हमने अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया आज के इस सेशन में, जिसमें लोगों का असेट कंसिडर किया जाता है और प्रोफाइल द ऑर्गेनाइजेशन इन फाइनेंशियल टर्म, जिसमें कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि हाउ पीपल कैन बी असेट एंड व्हाट कैन बी देयर लाइबिलिटीज, है ना। फिर एजुकेट, इसमें एजुकेशन का कोई काम नहीं होता है भाई, इसमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को प्रोजेक्ट किया जाता है कि उसके पास असेट कितना है इन टर्म्स ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड इम्प्रूव मैनेजमेंट बाय एनालाइजिंग इन्वेस्टमेंट इन एचआर। बिल्कुल सही, एचआर जो है ना वो गाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि लाइबिलिटी कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा लोगों को हायर कर लेते हैं, उनको ट्रेन भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली प्रोडक्टिव एनफ, तो उस केस में हमारा लाइबिलिटी साइड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना। तो उस केस में एचआर हमें गाइड करेगा कि भाई वी हैव टू टेक केयर दैट एम्प्लॉइज आर प्रोडक्टिव एनफ ऑल्सो, दैट सो दैट आर असेट साइड ऑल्सो स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। 142 dash is an attempt by third party through advice to help settlement to dispute between employer and his workmen. ID Act का question है, conciliation, arbitration and adjudication, इन तीनों के बारे में ID Act बताता है। machineries to solve industrial dispute, so conciliation हमारा answer हो जाएगा। It is an attempt by third party जो कि conciliation officer होता है। 143 management theories are classified into four main schools of thought. Which of these is one of them? Pre-scientific, bureaucratic हो जाता है, classical और traditional management approach, modern management approach. बिल्कुल सही है, सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ ही है ना, सारा कुछ हमने देखा है पढ़ा है, यही तीनों ही approach हमारी management theories के approach है। ट्रेनिंग कंसेंट्रेट्स ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ, ट्रेनिंग किसके किसके इम्प्रूवमेंट के लिए होता है? इंटरपर्सनल स्किल्स यस, डिसीजन मेकिंग स्किल्स यस, ऑपरेटिव स्किल्स यस, ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा। ओके यस, ट्रेनिंग में आप कह सकते हो कि ट्रेनिंग जो है वो ऑपरेटिव वर्कर्स के लिए होता है, तो ऑपरेटिव स्किल्स ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत इंटरपर्सनल स्किल्स और डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव कराने की कोशिश की जाती है, है ना। थोड़ा बहुत ये सब भी होता है, ऑपरेटिव स्किल्स पे मेजर फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि ट्रेनिंग किस डिपार्टमेंट का हो रहा है, तो हम इन तीनों पे ही तीनों ऑप्शन पे टेस्ट कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दिस शुड बी आवर आंसर। 145 refers to the checking of performance of enterprise in its management of human resource, accounting, HRM, audit. वेरी इजी क्वेश्चन। ऑडिट में क्या होता है? ऑडिट में हर डिपार्टमेंट के हर लोगों की चेकिंग होती है कि वो लोग कितना काम कर रहे हैं, कितने ऑथेंटिक काम कर रहे हैं, कोई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ इलीगल तो नहीं है, एवरीथिंग। सो यस, 145 का ये हो जाएगा। हाउ आर इंडस्ट्रियल रिलेशन डिफरेंट फ्रॉम एचआरएम एंड एचआरडी? यू कैन आंसर इट योर सेल्फ ऑल्सो, है ना। एचआरएम में क्या डिफरेंस है, एचआरडी में क्या डिफरेंस है, हाउ बोथ दिस टर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम आईआर, द आंसर शुड बी कमिंग फ्रॉम योर माइंड इटसेल्फ। एंड ये सब फाइंड आउट करो तो काफी आसान है आपके लिए। स्कोप वाइड होगा, इनहेरेंटली कलेक्टिविस्ट इन नेचर, है ना। कलेक्टिविस्ट मतलब जो ग्रुप में होता है, फैमिली में होता है, टीम में होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कलेक्टिविज्म इन नेचर है। यस, इशूज आर मोस्टली गवर्न्ड बाय लेबर लॉज विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड, क्योंकि यहाँ पे आईडी एक्ट का एप्लीकेबिलिटी होती है। एचआरएम और एचआरडी में कोई लेबर लॉज का डिफरेंट का एप्लीकेबिलिटी नहीं है डायरेक्टली, तो ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट होती है, पब्लिक होती है और कोऑपरेटिव भी होती है। कोऑपरेटिव हमारी इंडिपेंडेंट कुछ लोग ऑर्गेनाइज होकर के कुछ बिजनेस करते हैं फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ वीकर सेक्शन एंड फॉर द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ पीपल, जिसमें सारे लोग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं कुछ ना कुछ, तो वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये तीनों लोग मिलकर के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन तीन टाइप्स के हो सकते हैं, है ना, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। प्रोडक्शन एंड फंक्शनल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, गवर्नमेंट एंड सोलो ट्रेडरशिप, ये सब कम्प्लीट आंसर नहीं है, और सबसे अच्छा कम्प्लीट आंसर हमें यहाँ मिल जा रहा है। Which of the following is a political activity of trade unions? जो political activity की तो बात करें तो fighting attitude, militant attitude political activity में आता है। political activity में लोग में जो employees होते हैं वो militancy या फिर fighting attitude इसलिए भी लाते हैं ताकि वो class difference को कम कर सके, है ना, कि socialism को लाया जा सके, capitalism को
एलिमिनेट किया जा सके इसलिए भी पॉलिटिकल एक्टिविटी की जाती है। तो डेवलपिंग मिलिटेंसी एंड रिवोल्यूशनरी वर्स अमंग द वर्कर्स, तो रिवोल्यूशनरी एटीट्यूड वर्कर्स पर डेवलप किया जाता है सो एज टू ब्रिंग डाउन द क्लास डिफरेंस। व्हाट इज एट्रिब्यूशन थ्योरी? लास्ट क्लास में इनफैक्ट मैंने एट्रिब्यूशन थ्योरी डिस्कस किया था। फ्रिज हेदर ने एट्रिब्यूशन थ्योरी दी थी। और एट्रिब्यूशन थ्योरी में क्या होता है कि हम किस तरीके से अपने आसपास के इवेंट्स को या लोगों को, इवेंट्स या हैपनिंग को हम परसीव करते हैं और उसमें क्या रीजन एट्रीब्यूट करते हैं और उससे क्या लर्निंग लेते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेज इन विच वी जज पीपल डिफरेंटली, तो आई थिंक दिस आंसर इज नॉट करेक्ट। तो मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए, टेंडेंसी ऑफ पीपल टू परसीव पीपल ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स। अब इवेंट्स को, पीपल को या ऑब्जेक्ट को किस तरीके से परसीव करते हैं, किस तरीके से किसी भी इवेंट या ऑब्जेक्ट या पीपल के हैपनिंग को, पीपल के एक्टिविटीज को रीजन एट्रीब्यूट करते हैं और उसे फर्दर क्या सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टचिंग अ हॉट स्टोव विल बर्न योर हैंड। तो आपने कोई ऐसा इवेंट देखा कि आपके कोई फैमिली मेंबर ने हॉट स्टोव को टच किया और हाथ जल गया, तो आपने वहां से रीजन एट्रीब्यूट किया कि वी शुड नॉट बी टचिंग एनी हॉट ऑब्जेक्ट एंड यू आर प्रैक्टिसिंग दैट, तो वो हो गया एट्रीब्यूशन थ्योरी। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ पीपल, एट्रीब्यूशन इज नॉट ओनली रिलेटेड टू पीपल, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इवेंट्स एंड हैपनिंग्स अराउंड यू। दैट इज वाई आई बिलीव द आंसर शुड बी पॉइंट नंबर टू। ओके, इट इज नॉट रिलेटेड टू ओनली पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, व्हाट आर द टू अपोज्ड क्लासेस इन मार्क्सियन थ्योरी बाय कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स दो क्लासेस की बात करते हैं, एक कैपिटलिस्ट की और एक लेबरर्स की, एक कैपिटलिस्ट की और एक लेबरर्स की। तो कैपिटलिस्ट एंड वेज वर्कर्स, ये भी बिल्कुल सही है, पर साथ ही साथ बोर्गोइज एंड प्रोलेटेरियट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कैपिटलिस्ट को बर्गोइज भी बोला जाता है और वेज वर्कर्स जो डेली लेबरर्स होते हैं उनको प्रोलेटेरियट भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे बोथ ऑफ दीज होना चाहिए, दैट इज व्हाई आई बिलीव द आंसर शुड बी दिस। तो दो तीन क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आंसर गलत दिया हुआ है एंड आई एम क्वाइट श्योर ऑन दैट। तो कोई बात नहीं, आपको ये ध्यान देना है कि आपका नॉलेज कैसे आप सॉलिड रहे और आपको सिलेबस भी समझ में आ गया होगा, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं समझ आ गए होंगे। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप स्पेशली ध्यान दीजिए, लेबर्स रजिस्ट्रेशन पढ़िए और अपने आप में इतना बिलीफ रखिए कि अबव 90 इसमें टारगेट किया जा सकता है। यस, अबव 90 इज वेरी इजीली डूएबल, फोकस ऑन दैट क्योंकि इजी क्वेश्चन है। एंड इफ यू आर रियली इफ यू रियली वॉन्ट टू गो टू एनएफएल, तो आपको यहाँ पे कट ऑफ ज्यादा लाना पड़ेगा, कट ऑफ ऑब्वियसली मेरे ख्याल से हाई जाएगा ही। सो मेहनत कीजिए, ये डुएबल एग्जाम है। जहां पे आप जिस सिचुएशन में हो, अगर आपको लगता है कि आपका 70-80 आएगा, तो 90 तक पहुंचना मुश्किल नहीं है, है ना। तो थोड़ा भी अगर आप पढ़े अच्छे से, स्टैंडर्डाइज करके स्टैंडर्डाइज करें पढ़े, हमारे नोट्स को यूटिलाइज कीजिए, हमारे वीडियो लेक्चर्स को यूटिलाइज कीजिए, एवरीथिंग इज देयर। एंड जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछिए, ट्यूटरीज अकेडमी के चैट एप्लीकेशन पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड गिव यू 100% फॉर दिस एग्जामिनेशन, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। एंड विद दिस आई विल बी एंडिंग द सेशन फ्रेंड्स, एंड होप इट वाज हेल्पफुल टू यू। एंड आई एम नॉट फीलिंग अ लिटिल बिट, बट आई हैड टू कम्प्लीट इट बिकॉज यू पीपल आर वेटिंग फॉर एनएफएल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, सो आई हैड टू टेक दिस सेशन। And after that, our session will be starting from that Saturday. So there will be some gap. So that is why I took the session today. So I'll be ending the session now. Thank you all for your time. Thank you. Are you preparing for UGC NET Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.